कैंटीन अभ्यर्थी है, न नियमावली ला रहे हैं, न बहाली खोल रहे हैं, और अनर्गल बयान देते पते नहीं चलता कि शिक्षा मंत्री है कि चपरासी है कि क्या है। वो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, देश में दंगा करवाना चाहते हैं, और बिहार में दंगा होगा, बिहार का युवा सभी पढ़ा लिखा हुआ है। वो चाहते हैं कि मुद्दा भटक जाए, शिक्षक की मुद्दा नहीं रहा है, मुद्दा को भटकाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उनका आज पुतला दहन किए हैं। और सबसे पहली बात, वो शिक्षक को स्कूल में भेजे, धर्म की चर्चा, सब धर्म को हम मानते हैं, लेकिन धर्म पर मुद्दा करके आप शिक्षक अभ्यर्थी को भटकाना चाहते हैं। कोई नहीं भटकेगा, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ST 19 चार साल से बैठे हुए मैडम, लेकिन हम लोग को स्कूल पर रहना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे सड़क पे हैं, इसलिए हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं। तो होश में आइए, अगर उनको नहीं समझ में आता है तो होश में आइए, इस्तीफा दे और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और एक और मैडम, जो बिहार का मुखिया है, जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, उससे पहले क्या शिक्षक की जरूरी है कि जनगणना की जरूरी है? हम चाहते हैं कि विद्यालय में, स्कूल में शिक्षक चाहिए, न कि जातिगत जनगणना टाइम पे हो, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं, आज शिक्षा मंत्री जी का पुतला फूंके हैं। आप लोग की सुनवाई अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे आगे का आप लोग का रवैया क्या होगा? हम लोग राज्यपाल भवन जाएंगे, राज्यपाल जी महोदय का ज्ञापन सौंपेंगे और पूरी बात को रखेंगे कि बिहार में शिक्षक की घोर कमी है, और सब जान रहे हैं कि हमारा बिहार शिक्षा के स्तर पे कितना नीचे है, और फिर भी इनको सबसे समय पर जातिगत जनगणना चाहिए, न कि शिक्षक अभ्यर्थी चाहिए। कब तक चलेगा ये? देखिए, हम लोग की मांग जब तक नहीं मानती है सरकार, तब तक ये मुद्दा चलेगा ही। और दूसरी बात कि बिहार में भी जरूरत है शिक्षक की, बिहार में विद्यालय में भी, बिहार के विद्यालय में भी शिक्षक नहीं है, लेकिन सरकार मुद्दा भटकाने के लिए, लोग रोजगार ना मांगे, लोग जो है कि मुद्दा से भटक जाए, इसलिए रोज रोज धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सरकार बांटने का प्रयास कर रही है, जो कि हम लोग बची तरह